देखिए हमारे घर के आंगन में कितना अच्छा ये फूल हुआ है। ये क्या फूल है मैं नहीं जानती हूँ, इसका क्या नाम है अगर आप सब जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देखिए। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू अनदर ब्लॉग, और मैं हूँ कविता। मैं अपना ब्लॉग अभी मॉर्निंग में स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 9:15 और अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और मेरा आज मैं हेयर वॉश की हूँ। मेरा नहाना कंप्लीट हो गया है, नाश्ता भी कर लिए हैं। नाश्ता में आज बना था सूजी का उपमा बनाए थे, नाश्ता करना भी कंप्लीट हो गया है। और अभी हम लोग चल रहे हैं मार्केट, तो अभी मार्केट में चलती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। और बहुत ज़्यादा आज भी धूप दे रहा है, तो धूप हो जाएगा, तो इसलिए अभी हम लोग पहले चल रहे हैं मार्केट, उसके बाद मैं आके लंच बनाऊंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। अभी हम लोग निकल गए हैं घर से बाहर, अभी चल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं हम लोग, और अभी चलेंगे। उधर बाइक आ रहा है और अभी हम चलेंगे बाइक में। गाइस हम लोग अभी मार्केट से आए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया और अभी बज रहा है 1:30। और हम लोग सब्जी नहीं बनाए हैं, भात और दाल मम्मी बना के रखी थी, तो अभी हम लोग सब्जी बनाएंगे, तो आपको टाइम दिखा रही हूँ। अभी मैं प्याज काट रही हूँ और हम लोग अभी अंडा भुजिया बनाऊंगी, अंडा भुजिया और दाल भात। अभी जल्दी से अंडा भूज लेती हूँ और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और पापड़ भी तलेंगे। तो प्याज काट लेते हैं, प्याज बहुत जल रहा है। प्याज काटते काटते देखिए गाइस, अभी हम लोग पापड़ तल रहे हैं और उसके बाद अंडा भूंजेंगे। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, हम लोग समोसा भी लाए थे ना, तो खाए नीचे। गाइस हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, तो रास्ते में हम लोग समोसा ले लिए हैं और खाने भूल गए। अभी जल्दी से खाना खाऊंगे हम लोग, देखते रहिए। अभी मैं इसको बना लेती हूँ। अभी अंडा भूंजेंगे, तो प्याज भूंज रहे हैं, ये देखिए मैं अभी खा रही हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए धूप भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हम लोग खड़ा होकर नहीं खाया। हम लोग सोचे ले जाते हैं और घर में जाकर खाऊंगी। इसमें थोड़ा हल्दी डाल दे रहे हैं और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। प्याज को प्याज बोल रहे, सॉरी टमाटर अच्छा से गल जाएगा, नमक भी दे दे रहे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें अंडा डाल देंगे। देखिए भूंज रहे हैं, आधा भूंजे हैं और थोड़ा इसको भूंजेंगे तो जाके अच्छे से होगा, पूरा रेड करके उसको भूनेंगे। ठीक है, ये होते रहे। देखिए अंडा अभी अंडा फ्राई कंप्लीट हो गया है अभी ये। और तो अभी इसको गैस ऑफ कर देते हैं और अभी चल रहे खाना खाएंगे, और अभी सलाद भी बना ले रहे हैं। मैं खाना वाना खाने के बाद मैं सो गई थी और मैं अभी उठ रही हूँ। और खाना खाने के बाद मुझे लग रहा था ऐसे कि मैं कितना दिनों से नहीं सोई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, तो मैं सो गई थी। मैं अभी उठ रही हूँ, अभी टाइम हो रहा है 4:45, तो अभी मैं उठी सो के। और सोने के उठने के बाद मेरा जो सर्दी होता है वो सर्दी हो गया, बहुत बार 5-6 बार छींके,
और अभी ठीक नहीं हो रहा, अभी ठीक लग रहा है, तो मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। अभी हम चल रहे हैं, गैस साफ करेंगे, झाड़ू करेंगे, और बने रहिएगा आप सब ब्लॉग में। मैं आटा साध रही हूँ और अभी डिनर के लिए रोटी बनाऊंगी, रोटी और ये देखिए ये बंदा गोभी का भुजिया बनाऊंगी। ये 2 दिन हो गया, बंदा गोभी थोड़ा सूख सूख गया, तो इसी को अभी भून दूंगी और अभी आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊंगी। गीला हो गया, पानी ज्यादा डाल दिए, इसको देखे। इसको अभी ऐसे आटा को सांध के इसको रेस्ट करने देते हैं। अब बनाने समय इसको अच्छे से गूंदूंगी, उसके बाद बनाऊंगी। गाइस हमारा डिनर करना कंप्लीट हो गया है और हम लोग डिनर कर लिए हैं। तो जब हम डिनर आपको करना दिखाते लेकिन करंट नहीं था, तो इसीलिए हम नहीं दिखाए, और अभी करंट आया है, हम लोग का डिनर करना कंप्लीट हो गया है। तो गाइस मेरे ब्लॉग में आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा, और अगर आप सबको अच्छा लग रहा है, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और आपके फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ। बाय।